हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी पहली टेक न्यूज है सैमसंग कंपनी की तरफ से। दोस्तों, इसका जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में अब आपको एक और कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के पहले मिस्टिंग ब्रॉन्ज और मिस्टिंग ग्रीन कलर्स थे, और अब इसी स्मार्टफोन का एक और कलर आएगा मिस्टिक ब्लू। और इस स्मार्टफोन की प्राइस 77,999 रुपए रखी जाएगी इंडिया में। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का फुल HD प्लस इन्फिनिटी और सुपर एमोलेड प्लस फ्लैट डिस्प्ले है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर दिया है कंपनी ने। सेल्फी के लिए इसमें 10 मेगापिक्सल का पंच होल टाइप फ्रंट कैमरा दिया गया। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में एक्साइनोस का 990 SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इस स्मार्टफोन में आपको 4G LTE Wi-Fi ब्लूटूथ GPS NFC और चार्जिंग के लिए USB टाइप सी पोर्ट दिया है कंपनी ने। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 स्मार्टफोन पसंद है तो आप इसके ब्लू वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन ब्लू कलर में बहुत ऑसम दिखता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है Xiaomi के Redmi ब्रांड की तरफ से। दोस्तों, इसका जो Redmi Note 9 स्मार्टफोन है, अब इसमें आपको Onyx ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा। पहले Redmi Note 9 के व्हाइट, ग्रे और ग्रीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अब Onyx ब्लैक कलर का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। और इसकी प्राइस इंडिया में 4GB प्लस 64GB वेरिएंट के लिए 11,999 रुपए है, और 4GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए 13,499 रुपए है, और इसके 6GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए 14,999 रुपए है। अगर हम Redmi Note 9 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। इसमें मीडियाटेक का हीलियो G85 SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसमें आपको रियर में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलते हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का पंच होल टाइप फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi Note 9 में 5020mAh की बैटरी है, जो 22.5W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको Redmi Note 9 स्मार्टफोन अच्छा लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज है गूगल कंपनी तरफ से। दोस्तों, इसका नया अपकमिंग स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 5 है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। गूगल पिक्सल 5 की प्री बुकिंग 8 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो अगर आपको गूगल के स्मार्टफोन पसंद है तो आप इसे प्री बुक करा सकते हैं 8 अक्टूबर से। हमारी नेक्स्ट न्यूज है इन्फिनिक्स कंपनी तरफ से। दोस्तों, इसका नया अपकमिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 08 है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस टीज हुए हैं। इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G90 SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले दी जा सकती है, और इन्फिनिक्स की इसी सीरीज में इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन भी आ सकता है, जिसमें मीडियाटेक का हीलियो G90T SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे इन्फिनिक्स के कुछ स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस, और जैसे कुछ भी डिटेल सामने आती है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में तो मैं आपको बताता हूं। हमारे लास्ट न्यूज़ है रियलमी ब्रांड की तरफ से। दोस्तों, इसके दो नए स्मार्टफोन्स टीज हुए, लेकिन अभी इनके नाम सामने नहीं आए। रियलमी का नया स्मार्टफोन रियलमी RMX 2176 है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए। इसमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले हो सकता है। इसमें डुअल बैटरी सेटअप देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक 2100mAh की बैटरी हो सकती है। ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आ सकता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 756G SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर हो सकता है, जो 2.4 GHz प्रोसेसर पे बेस्ड होगा। इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और दो मेगापिक्सल के सेंसर्स होंगे। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का पंच होल टाइप फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 4300mAh की बैटरी होगी, जो 65W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। और रियलमी का दूसरा स्मार्टफोन है रियलमी RMX 2151। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके ज्यादा स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 30W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। इसमें NFC ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह फीचर्स होंगे। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है, जो फोन के राइट में होगा। तो दोस्तों, ये थे रियलमी के दो नए स्मार्टफोन्स जो अभी रियलमी की तरफ से अनाउंस है। जैसे और भी डिटेल सामने आती है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ होती है इसमें। आप वीडियो कैसे लगे कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल टेक्नल टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Drop the bass so low, let's go, 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 go. Drop the bass so low, let's go, go.